शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। विधानसभा में आज भी कार्रवाई रहेगी जारी। दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ साथ राज्य कर्मचारी की तीसरी संतान मामले पर भी होगी चर्चा। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक पर भी होगी चर्चा। प्रश्नकाल में रखे जाएंगे कई सवाल। सराफा कारोबारियों की हड़ताल का आज 31वां दिन। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में निकालेंगे वाहन रैली। आम सभा भी की जाएगी आयोजित। अब तक प्रदेश में सैकड़ों करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। 9 सूत्री मांगों को लेकर राशन डीलर आज से हड़ताल पर जा सकते हैं। पॉस मशीनों का विरोध कर रहे हैं डीलर्स। 25,000 रुपए मासिक भुगतान समेत कई मांगों पर अड़े हैं राशन डीलर्स। आज से जयपुर मेट्रो का नया टाइम टेबल भी लागू हो रहा है। साथ ही पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से नया किराया भी लागू हो जाएगा। ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से और पीक आवर्स के हिसाब से किराया लागू होगा। शाम के 5 बजे से रात के आखिरी ट्रेन तक पीक आवर्स लागू होगा। सुबह 6:25 बजे मेट्रो शुरू होने से लेकर शाम 4:59 तक पीक आवर्स नहीं रहेगा, यानी सामान्य किराया ही लगेगा। पीक आवर्स में 2 स्टेशनों के लिए 10 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 15 रुपए और 6 से अंतिम स्टेशन के लिए 20 रुपए प्रति यात्री देना होगा। बता दें कि ऑफ पीक आवर्स में किसी भी तरफ से 2 स्टेशनों के लिए 5 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 10 रुपए और 6 से आखिरी स्टेशन तक के लिए 15 रुपए देने होंगे। प्रदेश का तीर्थस्थल कैला देवी का वार्षिक लक्खी मेला आज से शुरू हो रहा है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेले में यात्रियों की सुरक्षा समेत बिजली, पानी, सफाई तमाम व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 1300 पुलिसकर्मियों को 3 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 2 एसडीएम, 6 डीएसपी को नियुक्त किया गया है। जेब तराशी और चेन स्टैचेस को पकड़ने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। यूपी और मध्य प्रदेश से हर साल करीब 10 लाख श्रद्धालु पैदल आते हैं, जिनके खाने पीने और चिकित्सा सुविधा के लिए मार्ग में कई दर्जन निःशुल्क भंडारों का आयोजन किया जाता है। कौशल विकास की गोल्ड ट्रॉफी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सौंपी गई। विधानसभा में श्रम राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह ने कौशल विकास के क्षेत्र में देश में अव्वल आने पर गोल्ड की ट्रॉफी सौंपी। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस उपलब्धि के लिए श्रम राज्य मंत्री और उनकी टीम को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक प्रहलाद गुंजल बिजली कंपनियों के मामले में ब्यूरोक्रेसी पर जमकर बरसे। गुंजल ने बेबाक तरीके से कहा कि ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक की खरीद में अधिकारी और कर्मचारी घोटाला करते हैं और फिर सिविल लायबिलिटीज के नाम पर जनता और किसानों पर बोझ डाल देते हैं। गुंजल ने यह भी कहा कि बिजली कंपनियों की ये हालत हो गई है कि कोई भी बैंक लोन नहीं देती। इसकी सबसे बड़ी वजह नौकरशाही का दबदबा है। बिजली कंपनियों से जुड़ी मॉनिटरिंग कमेटी में किसी तरह का राजनीतिक दखल नहीं है। 2 अप्रैल को जयपुर विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभा सागर में कश्मीर के भटके युवाओं को देश से जोड़ने का संदेश देने वाले नाटक पीर गनी को दिखाया जाएगा। नाटक का निर्देशन के रैना कर रहे हैं। राजस्थानी कला संस्कृति ललित कला को बढ़ावा देने वाला संगठन राजस्थान फोरम और जयपुर सिटीजन ने मिलकर नाटक का मंचन किया है, जो लेखक हेनरिक इब्सन के नाटक पीर ज्ञांत पर आधारित है। नाटक की कहानी में 1980 के कश्मीर को दिखाया जाएगा, जिसमें 30 कलाकार अभिनय करेंगे। राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा भर्ती 2013 में चयनित शिक्षक आज तक बेरोजगार है। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय के सामने नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 58 दिन से धरना कार्मिक अनशन जारी है। वहीं अब अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा भर्ती 2013 में राज्य सरकार ने 4,000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, जिसमें सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के 3,899 शिक्षक का चयन किया गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधी संदीप कादियान चुरू पुलिस की गिरफ्त में है। हत्या की कोशिश, डकैती, फायरिंग और लूट जैसे 12 से भी ज्यादा मामलों में लिप्त संदीप की 5 थानों की पुलिस को तलाश थी।
आपको बता दें कि तीन थानों की संयुक्त टीम ने संदीप और उसके एक साथी को चुरू की शेखावत कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। संदीप कुछ भू माफियाओं के इशारों पर काम करता था। पूछताछ में ऐसे लोगों के नाम के खुलासे हो सकते हैं। संदीप के पकड़े जाने से पुलिस के साथ ही जनता ने भी राहत की सांस ली है। कोटा में एक आरएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि इसने कोटा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक रहते हुए मार्कशीट और डिग्रियों में हेराफेरी की थी। अधिकारी के गिरफ्तार होने की खबर पाकर उसकी तस्वीर लेने पहुंचे मीडियाकर्मियों पर गिरफ्तार अधिकारी ने हमला कर दिया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में दो निजी कॉलेजों में 15 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। सरिता कॉलेज और 10 छात्र छात्राएं, वहीं राजकुमार कॉलेज में 5 परीक्षार्थी नकल करते पाए गए। डूंगरपुर के आसपुर थाना के पछलासा छोटा गांव में महिला को जिंदा जलाने के मामले में इस बाबत राज्य महिला आयोग की टीम आसपुर पहुंची, जहां आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने मृतका के पति, सास और मासूम बच्ची से मुलाकात की। बता दें कि सुमन शर्मा ने इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही लापरवाही को लेकर सवाल भी उठाए। शर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार का गांव से पलायन करना चिंता का विषय है। दौसा में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए क्रय विक्रय सहकारी समिति के सेल्समैन रामबाबू को कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं एसीबी ने आज आरोपी सेल्समैन और परिवादी का आमना सामना कराया, साथ ही दोनों से अलग अलग पूछताछ भी की। एसीबी अब इस पड़ताल में जुटी है कि आखिर उपभोक्ता भंडार में संविदा पर लगे कर्मचारी का रसद विभाग में कनेक्शन कैसे है। श्रीगंगानगर के समेजा गांव में एक महिला से जेवरात लूट के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी महिला का अपहरण कर अपने घर उसको ले गया और वारदात की। घर में महिला का शव देखकर आरोपी के बेटे ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी श्यामलाल को नशे की लत थी और उसने अपनी मां की भी हत्या कर दी थी। मृतक महिला जसविंद्र कौर बुधवार शाम से लापता थी। पाली में नेशनल हाईवे 162 पर सोजत और बर के पास कार सवार 3 युवकों के साथ लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 3 युवकों ने अहमदाबाद से जयपुर के लिए कार किराए पर ली थी। जयपुर आने के बाद सिरोही में तीनों युवकों ने एक होटल पर खाना खाया और इसी दौरान उन्हें नशीला पदार्थ चाय में मिलाकर पिलाया गया और आरोपियों से इसी दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीकर की अदालत ने आनंदपाल के गुर्गे भगवान सिंह और उसके साले समेत 3 को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भगवान सिंह ने 20 जून 2012 को दादिया थाना इलाके के आकवा गांव के नाथूराम को अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को सेफ्टी टैंक में जला दिया था। भीरवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके में शीतलाष्टमी के दौरान हथियारों से लैस आधा दर्जन युवकों ने एक छात्र समेत 3 युवकों पर तलवार, चाकू और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौमू में गणगौर पर नवविवाहिताओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की। 8 दिन तक मिट्टी के ईसर गणगौर की पूजा की जाएगी। वहीं रात में भडुल्ला को घुमाया जाएगा। झुंझुनू के फतेहपुरियान मोहल्ले में पुरानी हवेली तोड़ने के मामले में 2 पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक 200 साल पुरानी हवेली में रहता है परिवार। परिवार के एक पक्ष का कहना है कि हवेली जर्जर हो चुकी है। ऐसे में कुछ हिस्सा ढहने के बाद संभावित हादसे को रोकने के लिए हवेली को तोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्हें परेशान करने के लिए हवेली तोड़ी जा रही है। इधर मामला पुरातन हवेली से जुड़ा होने के बाद नगर परिषद ने दोनों पक्षों को पाबंद कर नोटिस जारी किया है। एक तरफ परेशान किसान खुदकुशी को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ उनकी हिस्से के मुआवजे को अफसर टकार रहे हैं। बारा जिले की माथना ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसानों के लिए मिली
38 लाख की मुआवजा राशि हड़प ली। मामला सामने आने के बाद पंचायत समिति के प्रधान अजीत सिंह ने किसानों की राशि हड़पने का मामला दर्ज कराया। दरअसल पंचायत समिति प्रधान अजीत सिंह ने 3 महीने पहले 12 केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की कमेटी की ओर से ऑडिट कराई गई, जिसमें 17 लाख से अधिक की राशि किसानों के मुआवजे की और 21 लाख से अधिक की राशि जो खाद बीज के ऋण के लिए जारी की गई, लेकिन मातना ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने राशि किसानों को न जारी कर अपने साथियों के साथ हड़प दी। पाली के मेघडगदा गाँव में गौशाला के लिए 36 कौम की ओर से गैर नृत्य का आयोजन किया गया। इस गैर नृत्य के जरिए गायों की सेवा के लिए पैसा जमा किया जाता है। बीकानेर में बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। सीएम ने एलिवेटेड रोड के लिए बजट की घोषणा की थी, जहां लोग लंबे समय से रेलवे फाटक की समस्या से परेशान थे। ऐसे में एलिवेटेड रोड के बजट की घोषणा से खुशी की लहर। बाड़मेर में गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले डॉक्टर की आवाज दबा दी गई। डॉक्टर ने बीसीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू देवेंद्र चौधरी के खिलाफ शिकायत की थी कि वो डॉक्टर से हर काम के लिए कमीशन मांगता है। उसकी शिकायत के बाद उसका तबादला कर दिया गया। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को हटाने को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि पिछले दिनों बीकानेर के चिड़ियाघर के पास भगत सिंह की प्रतिमा रखी गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही प्रतिमा वहां से हटा दी गई। इससे आक्रोशित होकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील गांव के ग्राम सेवक पर काम के बदले महिला की अस्मत मांगने का आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने ग्राम सेवक नरेंद्र पर तलवाड़ा झील थाना में दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने भारी संख्या में तलवाड़ा झील थाना में प्रदर्शन किया और ग्राम सेवक को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की, जिस पर टिब्बी के उपखंड अधिकारी और बीडीओ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की और आरोपी ग्राम सेवक का जल्द तबादला करने का आश्वासन दिया। सवाई माधोपुर में किसान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का पुतला फूंका। किसान पर दिए गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर के रसाला रोड पर शराब की दुकान का विरोध कर रही महिलाओं को शराब ठेकेदार धमकियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल से महिलाओं ने शराब की दुकान के विरोध में धरना शुरू किया था। इस बीच शराब ठेकेदार मौके पर पहुंचा और धरने पर बैठी महिलाओं को धमकाना शुरू कर दिया। बीकानेर में पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी की माता का निधन हो गया। 95 साल की रानी जसवंत कंवर लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। जालौर की रानीवाड़ा पंचायत समिति भवन की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि कोई भी इंसान इस हादसे में वहां पर मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। टोंक के किसान परमेश्वर की खुदकुशी के मामले में एसपी प्रीति जैन ने माना है कि किसान कर्ज के बोझ तले दबा था और इसी वजह से उसने खुदकुशी की। हालांकि उन्होंने कहा कि शराब पीने का आदी होने की जानकारी परमेश्वर के परिजनों ने ही पुलिस को दी थी। पूरा अलवर हंसते हंसते लोटपोट होने वाला है, क्योंकि आज से होली धमाल अलवर लाफ्टर शो होने जा रहा है। ये कार्यक्रम आज शाम 6:30 बजे कंपनी बाग में आयोजित होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, राजीव निगम, राजन श्रीवास्तव, राजकुमार रैंचो और एंकेश पार्थ शामिल हैं। अलवर में RUIDP की ओर से सीवर कार्य में सुरक्षा के उपाय विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। जयपुर से आए अधीक्षण अभियंता JR जांगीर ने बताया कि सीवरेज टैंकों की सफाई में दुर्घटनाओं से बचने के लिए सफाई कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जालौर में जिला प्रशासन ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। शहर से 5 किलोमीटर दूर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर मॉक ड्रिल के तहत सभी आपातकालीन सेवाएं
वक्त पर पहुंची लेकिन क्रेन वक्त से नहीं पहुंच पाई। अलवर का राजश्री कॉलेज, प्रशासन राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग से भी ऊपर हो गया है। इस बाबत कॉलेज की विकास समिति की बैठक आयोजित कर कर्मचारियों की भर्ती करने संबंधी निर्णय को मंजूरी दे दी गई। पीसांगन में विद्युत विभाग ने तहसील कार्यालय का बकाया जमा नहीं होने पर कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटे जाने 65 गांवों वाली तहसील का कामकाज एकदम ठप पड़ गया। तहसीलदार ताराचंद प्रजापत ने जेईएन दिनेश लाखन को अपने चैंबर में बुलवाया और कनेक्शन दोबारा जोड़ने की बात कही, लेकिन जेईएन ने भुगतान किए बिना कनेक्शन जोड़ने से इनकार कर दिया और वापस लौट गए। इसके बाद शाम 5:30 बजे एक बार फिर तहसीलदार जेईएन दिनेश लाखन को अपने चैंबर में बुलाया और उच्च अधिकारियों से बातचीत कर बकाया बिल 2,68,000 से ज्यादा का और 54,000 रुपए का चेक जेईएन को दिया, जिसके बाद तहसील कार्यालय में बिजली आई। सीकर के श्रीमाधोपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों की चोरी का खुलासा किया। पिछले दिनों गौशाला मार्केट स्थित मोबाइल की दुकान में दीवार तोड़कर कुछ बदमाश दाखिल हो गए थे और बदमाश दुकान से लैपटॉप और मोबाइल चुरा ले गए थे। इस चोरी का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त राजेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ मंजुल भार्गव जयपुर के बच्चों से रूबरू हुए। मौका था बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित व्याख्यान माला का। रामानुज को जो अनंत के बारे में जानते थे विषय पर आयोजित इस व्याख्यान मामले में स्कूली बच्चों को मंजुल भार्गव से मिलने का मौका मिला। उदयपुर की फतेह सागर पाल पर बने नए पार्क की हालत बदहाल होने लगी है। दरअसल 17 मार्च को सीएम ने इस पार्क का लोकार्पण किया था, लेकिन बाद में न तो निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने और न ही जनप्रतिनिधियों ने पार्क का की सुध ली। मार्च का महीना खत्म होने के साथ बिजली के बकाया बिलों ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। कोटा जिले में विद्युत निगम के अधिकारियों को 159 करोड़ का टारगेट दिया था। काफी जद्दोजहद के बाद भी अधिकारी 114 करोड़ रुपए ही वसूली कर पाए। धौलपुर के राणा मैरिज होम में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हुए। क्रिकेट संघ की देखरेख में हुए चुनाव में सुनील राणा को जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष और सोमेंद्र तिवारी को जिला क्रिकेट संघ का सचिव मनोनीत किया गया। डूंगरपुर में रोजगार कार्यालय की ओर से कौशल रोजगार और उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नियोजकों और कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इस मौके पर बेरोजगारों ने साक्षात्कार दिए। राजस्थान दिवस पर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के माउंट आबू क्लब में नगर परिषद, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग सवाईमाधोपुर की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें अलवर, निवाई, भरतपुर और बूंदी आए कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। प्रतापगढ़ के अरनोद में शहर के बीच बस स्टैंड चौराहे पर तलवार नृत्य का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग नंगी तलवारें लेकर बीच चौराहे पर नृत्य करते दिखे। बारा के श्रीराम स्टेडियम में राजस्थान दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उदयपुर के पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय में रिटायरमेंट का जश्न मरीजों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। 5 कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर सभी सफाई कर्मी और नर्सिंग स्टाफ जमा हुए थे। अस्पताल में मरीजों की परवाह किए बगैर जमकर ढोल बाजा और डांस किया गया। डूंगरपुर में वागड़ गांधी पद्मभूषण स्वर्गीय भोगीलाल पंड्या की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भोगीलाल पंड्या शिक्षा समिति की ओर से समाधि स्थल पर पुष्पांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जोधपुर में भी घरों में लोगों ने ठंडे खाने का प्रसाद चढ़ाकर शीतला माता की पूजा की। घर घर में ठंडा खाना खाने का की परंपरा है। लोगों ने कैर सांगरी का पंचकूटा चावल, मिष्ठान, करबा कढ़ी, दही राबड़ी, पूड़ियां और कई नमकीन व्यंजन तैयार किए। चिकित्सा विभाग ने पोलियो से बचाने के लिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की शुरुआत की। जयपुर के कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर ने वैक्सीन की शुरुआत की। राठौर ने बताया कि पोलियो से लड़ने में ये एक बड़ी उपलब्धि होगी।
सिरोही में शीतलाष्टमी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। शीतलाष्टमी को लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। परंपरागत तरीके से लोगों ने इस पर्व को मनाया। प्रदेश भर में शीतलाष्टमी की धूम रही। झुंझुनू में भी कुमावतों के शीतला मंदिर और चावो सती दादी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कल बनाए गए पकवानों से शीतला माता को भोग लगाया गया। चौमू में शीतलाष्टमी का पर्व धूमधाम तरीके से मनाया गया। इस मौके पर माता के मंदिर में महिलाओं ने ठंडे पकवानों का भोग लगाया। लागू की रैगर बस्ती में स्थित शीतला माता मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही महिलाओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। अलवर के राजगढ़ के कोठी नारायणपुर माचाड़ी मार्ग पर कार की टक्कर से दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों खेत की रखवाली के लिए जा रहे थे, इसी दौरान माचाड़ी से आ रही कार ने दोनों को टक्कर मार दी। बूंदी के मालकपुरा गांव में पिता ने अपनी 2.5 साल के बेटे को नाजायज समझकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले तमाम एजेंसियों से संपर्क बनाए रखने के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की। जिला प्रशासन ने खरीद एजेंसियों की तैयारियां नहीं होने पर नाराजगी जताई। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के मेन बाजार में 8 मार्च को व्यवसायी के घर हुई लूट चोरी की के मामले में व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह से मुलाकात की। जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। विश्व प्रसिद्ध जादूगर आज से जयपुर में अपने जादू का जलवा बिखेरेंगे। राजस्थान में चौथी बार आयोजित होने वाले ओपी शर्मा के मैजिक शो का जैम सिनेमा में शाम 5 बजे महापौर निर्मल नाहटा उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में हो रहे न्यूक्लियर समिट के दौरान आयोजित डिनर में आतंकवाद पर कहा कि दुनिया में आज आतंकवाद के मुद्दे पर देशों में एकजुटता और सहयोग की कमी है। पीएम ने कहा कि जो देश परमाणु तस्कर और आतंकियों के मददगार हैं वो दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी के प्रस्ताव को चीन ने रोकने का प्रस्ताव दिया। कोलकाता पुल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 22 हो गया है और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं पुल बनाने वाली कंपनी VRCL के खिलाफ जोरसंको पुलिस थाने में 3 FIR दर्ज की गई है। घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है। पाकिस्तान की GIT ने पठानकोट हमले पर SP सलविंदर सिंह समेत रसोइये मदन गोपाल और ज्वेलर दोस्त राजेश वर्मा के बयान दर्ज किए हैं। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ की आवाज के नमूने मांगे हैं। बीजेपी MLA OP शर्मा दिल्ली विधानसभा के अगले 2 सत्र के लिए सस्पेंड हो गए हैं। यह फैसला दिल्ली विधानसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता बच गई है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर CRPF ने सुरक्षा कर्मियों के मूवमेंट की जानकारी लीक होने की आशंका जताई है। CRPF के मुताबिक किसी ने नक्सलियों को जवानों की मूवमेंट की जानकारी दी होगी। कोयला घोटाले में CBI की विशेष कोर्ट 4 अप्रैल को पहली सजा सुनाएगी। JIPL के निदेशक RS रुंगटा RC रुंगटा पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में आनंद मंत्रालय बनेगा, CM शिवराज सिंह चौहान का बयान। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 है, ऐसे में जनता के मन में आनंद न हो तो सब बेकार है, इसलिए हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विदेशी मुसाफिरों को आज से 120 रुपए अतिरिक्त लेवी अदा करनी होगी। वहीं घरेलू मुसाफिरों के लिए ये शुल्क 20 रुपए होगा। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM और NCP नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल को कोर्ट ने 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट के तहत नई दरों का ऐलान किया है। ये नया लेंडिंग रेट स्ट्रक्चर है जिसमें बैंकों को दरें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स के आधार पर कैलकुलेट करना है, जो कि पहले एवरेज कॉस्ट के आधार पर होती थी।
विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या जांच एजेंसियों के सामने पेश होने में आनाकानी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक माल्या ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी एसएफआईओ के सामने पेश होने के लिए एक महीने का वक्त मांगा है। आज से बजट प्रस्ताव लागू होने वाले हैं और 1 अप्रैल से पीपीएफ एनपीएस सुकन्या समृद्धि स्कीम किसान विकास पत्र पर कम ब्याज मिलेगा। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अबॉर्शन को लेकर दिए बयान के बाद उसकी लोकप्रियता में कमी आई है। ट्रंप ने कहा था कि जो महिला अबॉर्शन कराती है उसे सजा मिलनी चाहिए। रूस के इंटीरियर मिनिस्टर ने जानकारी याकेटरबर्ग शहर के एक रेस्टोरेंट में रेड के दौरान 167 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये सभी अपराध की योजना बनाने के दौरान पकड़े गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक शॉपिंग मॉल में कागज के बने 1600 पांडा रखे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। हमले में आईएस की गाड़ियों और एम्युनिशन डिपो समेत एक इमारत को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। चीन ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में वो एयर डिफेंस जोन फिलहाल नहीं बना रहा है। मामले में चीन की ओर से ये सफाई फिलीपींस की शिकायत पर अगले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले आई है। खबर है कि हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग अपनी कमर्शियल एयरप्लेन डिवीजन में 8000 लोगों की छटनी करेगी। ऐसा करके कंपनी 1 बिलियन तक बचाना चाहती है। कल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी सामान और ईंधन रवाना किया गया। प्रोग्रेस 63 नाम का अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान से उसने उड़ान भरी जो कि 2 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंच जाएगा। ब्रिटेन में पहले सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन से पैदा हुए गोरिल्ला एएफआईए को लोगों के सामने लाया गया। 1 महीने पहले जन्मे आफिया की मां फिलहाल ऑपरेशन के बाद रिकवर कर रही है। अमेरिका की वर्ल्ड चैंपियन महिला फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों ने कमाई को लेकर भेदभाव की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन में शिकायत करते हुए कहा है कि उन्होंने फेडरेशन के लिए पुरुष टीम से ज्यादा कमाई की है फिर भी उन्हें पुरुषों से कहीं कम पैसे दिए जाते हैं। फोर्ब्स ने रिटायर्ड खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों की लिस्ट जारी की है। इसमें लगातार 3rd साल माइकल जॉर्डन 110 मिलियन की कमाई के साथ पहले नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज वर्ल्ड टी20 के फाइनल में पहुंच गया है। मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। हार के बाद कप्तान धोनी ने संन्यास लेने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार से मजाक किया और उसे अपने पास बिठाकर पूछा, क्या मैं अनफिट दिखता हूं?